हेलो एंड वेलकम टू बट्टा फास। मैं हूं अहमद नकवी, मैं साथ उस्मान समीउद्दीन। वी वर सो क्लोज टू ब्रिंगिंग यू, व्हाई आर यू सो चर्पी, सो क्लोज टू ब्रिंगिंग यू द ग्रेटेस्ट मोस्ट अमेजिंग विक्ट्री। गुड शास्त्री इंपर्सनेशन, या गुड शास्त्री। इंस्टेड वी आर ब्रिंगिंग यू द रैम्बो वर्जन। आई थिंक मतलब रैम्बो से क्या कहते हैं, शास्त्री से रैम्बो जाना इतना बुरा नहीं है जितना पाकिस्तान ने कल जो एक्सपीरियंस किया। ऑब्वियसली अगर आप ये देख रहे तो आपको अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान 119 रन सिर्फ बनाए थे भारत ने, एंड समहाउ वी मैनेज टू मेस दैट चेज अप। उस्मान, व्हेन डिड वी लूज दैट, लाइक व्हाट वाज द मोमेंट यू फील वी लॉस्ट दैट मैच, एंड व्हाई वाज इट रिजवान ट्राइंग टू स्लॉग बुमराह and getting like, out in that world. दिल से पूछ रहे हो तो the moment we lost that match was the moment the ICC made the draw. मगर the moment इमरान अहमद खान got tickets for it. अगर तुम मेरे दिमाग से ये सवाल पूछ रहे हो तो मैं कहूंगा yeah, it's got to be like, मैं इस तरह का pessimist हूं कि मुझे ये मैच कभी पाकिस्तान के हाथ में नहीं लग रहा था। शुरू ही से मुझे लग रहा था कि रन अ बॉल अगर इस पिच पे हो जाए, एंड लाइक लुक द पिच वाजंट इजी टू स्कोर ऑन, इट वाज मे बी इजी टू नॉट गेट आउट ऑन, बट यू नो दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ टी20s, द पॉइंट ऑफ टी20s इज टू स्कोर, एंड सो आई थिंक एज सून एज द टारगेट गॉट टू रन अ बॉल टाइप, ना जो एग्जैक्टली एंड में वही हुआ, एग्जैक्ट रन अ बॉल हुआ है, उस वक्त से पाकिस्तान के लिए आई कुड सी कि ये मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए, बिकॉज ऑन दिस सर्फेस उनकी गेम नहीं है, उनका एक्सपीरियंस, हालांकि इतना एक्सपीरियंस स्कोर है, उनका एक्सपीरियंस ऐसे सिचुएशंस में विल जस्ट काइंड ऑफ डिजर्ट देम। तो यू नो द मोमेंट्स यू सी, ऑब्वियसली आप कह सकते हैं ऋषभ पंत गॉट लकी अ फ्यू टाइम्स, द बाबर द रिजवान डिसमिसल ऑफ कोर्स वाज द बिगेस्ट थिंग, बट ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछ रहे हो तो आई डोंट थिंक द मैच वॉज एवर इन देयर कंट्रोल, इवन व्हेन आई थिंक रिजवान जब आउट हुआ था तो 80 for 3 थे उस वक्त, इन 14.2 ओवर्स दे वर 80 for 3, सो दैट मींस दे नीडेड अनदर 30-40 रन्स, लेट्स से दे नीडेड अनदर 39 आई थिंक इन जस्ट अंडर 5 ओवर्स, नहीं दैट्स नॉट राइट, इन जस्ट 6 ओवर्स दे नीडेड, या सो इवन एट दैट स्टेज लाइक बिफोर ही गॉट आउट आई थॉट कि यू नो बुमराह के 2 ओवर रहते हैं, पाकिस्तान की बैटिंग के लिए अकाउंट करना है, आई डोंट थिंक दिस मैच इज इन देयर हैंड येट, अगर इन्होंने ऊपर से 2-3 और बाउंड्री मारी होती, इवन अटेम्प्ट करी होती बाउंड्री मारने के लिए, तो फिर मैं कहता कि चलो इट्स अंडर रन अ बॉल, इट कैन बी डन, बट एज लॉन्ग एज दैट इक्वेशन स्टेड एट रन अ बॉल और जस्ट ओवर, आई वॉज इन कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान कैन हैंडल दिस। तो टर्निंग पॉइंट, हाँ रिजवान का डिसमिसल लोग कहेंगे बिकॉज इट लुक बैड, लुक अगली, टुक ऑन इंडियाज prime fast bowler, the world's prime fast bowler, he didn't need to take him on at that stage when he'd just come back, lekin sahi baat poocho mujhse to it was never in their control. Well I think ke ek to you know mujhe is baat ka andaaza ho gaya tha ki aapki jitni zyada umar hai utne zyada apne trauma accumulate kiye hue hain, so like my niece was messaging me ke oh bhai kya maza aa raha hai ye wo, and I was like you know रिलैक्स, उसने कहा कि भाई इतना छोटा टारगेट है, मैंने कहा नो टारगेट इज टू छोटा फॉर पाकिस्तान, सो यू नो वो तो एक जस्ट हैविंग फॉलोड दिस टीम लॉन्ग इनफ आप में एक विजडम आ चुकी होती है कि अभी यू नो धीरे रहे, बट आई थिंक के ऑब्वियसली यू नो पाकिस्तान एज वी डिस्कस बिफोर एज वेल के रिगार्डलेस ऑफ आवर लॉन्ग सेट व्यूज अबाउट दिस हैज बीन अ गुड चेजिंग साइड फॉर अ वाइल नाउ, पर्टिकुलरली इन टी20s हैज अ वेरी गुड रिकॉर्ड चेजिंग। ऑब्वियसली इस पिच की क्या सूरत हाल होनी थी, जो मुझे जो डर था जिसके सब की पिच होगी उससे कोई बहुत बेहतर पिच थी, इट वॉजन ऑब्वियसली पिच यू वुड एक्सपेक्ट टू सी इन अ टी20 वर्ल्ड कप, पर्टिकुलरली पाकिस्तान इंडिया गेम, बट इट वॉजन अ शॉकर और लाइक अ यू नो अनप्रोफेशनल ब्ला 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 ब्ला, ठीक पिच थी और उस पर बिल्कुल मेरा भी यही इतफाक था कि भाई 119 रन यू नो उनका अगर उन्हें बनाए तो ऐसा नहीं कि बहुत आसान है पाकिस्तान की बैटिंग के लिए, बट पहली चीज आपकी ये थी कि बाबर और रिजवान की अगर ज्यादा देर तक पार्टनरशिप लगती लाइक दिस इज देयर एमओ राइट, लाइक के 6-8 आरपीओ पे वो लोग एक डिसेंट पार्टनरशिप कर लेते हैं,
बाबर गेट्स आउट, रिजवान स्ट्रगलिंग द होल टाइम, विच ऑल्सो मीन्स कि अगर ये ऑब्वियसली रिजवान के साथ बहुत दफा होता है इंजरीज और उसकी स्ट्रगल में, कि समटाइम्स उसने खुद भी बोल दिया कि वो एक्टिंग कर रहा होता है, बट उसके बावजूद आपको अंदाजा था कि ठीक है अगर कोई नया आएगा तो बैटिंग इतनी आसान नहीं होगी। बट मतलब जो जो फर्क एक ऑब्वियसली था कि इंडिया के लिए भी आसान नहीं थी, एंड इनफैक्ट इट वॉज अ लॉट मोर ओवरकास्ट व्हेन इंडिया वॉज प्लेइंग कम्पेयर टू पाकिस्तान प्ले अंडर ब्राइट सन। इंडिया में ऑब्वियसली बहुत बड़ा फर्क ये था, जो ऋषभ पंत ने सबसे अच्छा एग्जाम्पलीफाई किया था कि वो रियलाइज के ओके इट्स अ बिट ऑफ अ लॉटरी, सो लेट्स गो फॉर आवर शॉट्स, एंड ही केप्ट हिटिंग केप्ट हिटिंग केप्ट हिटिंग केप्ट हिटिंग, एंड पाकिस्तान बोल्ड बेटर बट जस्ट वॉन्ट बींग एबल टू डू नाउ। जो मुझे ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आपके पास बुमरा यू कुड टेल हैड बोल्ड रेडी वेल, सिराज मेरी नजर में काफी अच्छी कर रहा था, बट अर्शदीप वॉज रियली लूज, दैट फर्स्ट ओवर टू हिम वॉज अ बैड कॉल, और उसके बाद उस वापसी में भी उसकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी जितना बुरा मतलब पाकिस्तानियों ने उसे खेला था। ही वाजंट रियली टेस्टिंग द सेम वे एज द अदर पेसर्स वर। दिस स्पिनर्स नेवर रियली गॉट इनटू द गेम, वेदर वाज जडेजा और अक्षर पटेल, या आई नो अक्षर गॉट अ विकेट फर्स्ट बॉल, मगर ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज्यादा अपनी मतलब यू नो कि ऑन लेंथ फेंक रहे हैं, आगे कर रहे हैं पीछे कर रहे हैं वो, बट पाकिस्तान डिड नॉट गो आफ्टर एनीवन। और उस वक्त यही था कि अच्छा ठीक है आपने अब 14-15 ओवर इस अजीब स्ट्रैटेजी में गुजार लिए हैं, तो एटलीस्ट जो एक बंदा आपका रिजवान खड़ा है, द इजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड मैन, सी आउट बुमराह, स्कोर योर रन अगेंस्ट एवरीवन एल्स। एंड इवन एट द एंड ऑब्वियसली अब ये था कि शादाब और इफ्तिखार नए आए हैं, उनके पास शायद इतनी बॉलिंग नहीं थी, इफ्तिखार ने जिस तरीके से बुमराह की दो फुल टॉसेस में एक पे मुझे लग रहा था ठीक है मे बी ये शॉक हो गए कि यार ओ बुमराह से, बट ब्रो ही डिड इट अगेन, लाइक एटलीस्ट ये गॉट आउट उसी लाइन उसी लेंथ पे उसने फिर से कराई है, तो दैट वाज ये ठीक है एक यू नो चलो। एक थ्योरी है एक थ्योरी है क्रिक इन्फो ही ने, के जो है सुपर राइटर, उसी ने एक ये थ्योरी क्या नंबर्स बेस्ड काइंड ऑफ उसने करा है कि हिज लास्ट पीस ऑन बुमरा ड्यूरिंग द आईपीएल ही पुल्ड आउट सम नंबर्स एंड ही शोड दैट बुमरा की जो फुल टॉसेस है ना दे गो फॉर एटलीस्ट लाइक अ कपल ऑफ रन्स पर बॉल लोअर दैन द नेक्स्ट बेस्ट गाय, लाइक हिज फुल टॉसेस गो फॉर लाइक 7.78 रन्स पर व्हाटएवर स्ट्राइक रेट्स। नहीं बट बिल्कुल सही बात है, लाइक नॉट एवरी फुल टॉस इज द सेम राइट, सम फुल टॉसेस आर लो फुल टॉसेस व्हिच आर इम्पॉसिबल टू हिट, देयर एज डिफिकल्ट एज यॉर्कर्स, सम फुल टॉसेस आर लाइक चेतन शर्मा फुल टॉसेस। नाउ विदाउट मीनिंग टू एवर इंटेंशनली पुट चेतन शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह इन द सेम सेंटेंस टुगेदर अबाउट इंडियन फास्ट बोलिंग, टू ऑफ दोस फुल टॉसेस दैट ही बोल्ड टू इफ्तिखार यस्टरडे, I just feel as difficult as his full tosses might be to hit, those were not the difficult Bumrah full tosses to hit. I just felt high angle, line की wheelhouse में थी, the line, क्योंकि yes. line जो थी वो क्योंकि leg की तरफ जा रही थी, तो अगर आपसे खुल के भी शॉट नहीं लग रहा है तो आप तब भी फ्लिक कर सकते थे उसे, मतलब बेशक छक्के के लिए ना आ जाए चौके के लिए चली जाएगी बॉल, आउट तो वो उसकी उसकी वो थी, मगर वो कम बैक टू इट वॉज दैट क्योंकि स्कोर इतना कम था। आई नो के मतलब आई डेंट हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान, पर्टिकुलरली इट्स इन इंडिया पाकिस्तान मैच, द प्रेशर रैचेट्स अप एनीवेज, मगर उस वक्त तक भी बड़ा बड़ा आसान था यार कि आपने सिर्फ इनको बुमराह को से जितनी चलो आउट भी हो जाओ, आपने विकेटें भी इतनी बचाई हुई थी। जो एक और बैटर जिसके मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो इमाद वसीम था, अगेन इमाद वसीम को ये करते हुए मैं अपनी अगर मेहनत करूँ, आई एम श्योर आई कैन फाइंड ट्वीट्स और आई हैव बीन कंप्लेनिंग कि ऑल ही डज व्हेन ही हैज टू कम आउट, स्पेशली व्हेन ही इज नॉट हिटिंग इट वेल, व्हेन ही इज इन बेटर फॉर्म लाइक पीएसएल के लेटर पार्ट्स में, देन ही कैन डू अ लॉट मोर। उसका करता है ही लीव्स रूम ऑन द ऑफ साइड एंड देन ही कीप्स ट्राइंग टू प्ले अवे, यू नो तो कट करेगा या ड्राइव करेगा या एच पे कर देगा, उसने कोई पता नहीं 18-20 डिलीवरीज यही करते करते, सो लाइक यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू आर रन अ बॉल एट द डेथ which almost never happens in any T20 chase and somehow you shot that up to like 10 and over, matlab you know kis required or required 6.5-7 aise kuch jata aur tab aap karte 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 itni ballen aapne zaya ki, it was crazy to see Imad and Rizwan take no initiative in turning singles into doubles. I mean matlab it was crazy man, like aap you're struggling to score, was terrible. Yeah, was terrible. You know, एंड मतलब कि दिस वॉज ऑल्सो आई फील अगेन आपकी नीजर्क आपकी जो रिएक्शन होती हैं, यू नो आपने उस्मान खान को दो अच्छी इनिंग्स पे ले आए थे, कल वही दिखाई दे रहा था ऑन द फील्ड ऑन द पिच, द गाय वॉज रियली
नॉट बींग एबल टू प्ले दैट ही प्लेज. अब मैंने ग्रुप पे कहा था इज ओवर ऑड एंड आई फेल्ट अ बिट यू नो आई डोंट नो व्हाट ही इज फीलिंग लाइक सो आई डोंट वांट टू अज्यूम दैट. मगर जिस तरीके से उसकी शॉट रेंज बिल्कुल खत्म हो गई थी, जिस तरीके से ही वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट सिंगल्स और ट्राइंग नॉट टू गेट आउट, बट उस सब के बावजूद यू नो कि ठीक है इन सब की मैं तंकीद करूं, बट फॉर मी लाइक रिजवान डूइंग दैट ऑन द फर्स्ट डिलीवरी फ्रॉम बुमराह एंड वो ओवर, मतलब ना कि जैसे उसने जो बाबर को बॉल कराई थी दैट वॉज बुमराह दहशत. मतलब इतनी फुल डिलीवरी, इतनी ज्यादा जंप करती है बिकॉज ऑफ दैट यू नो फ्लिक ऑफ द रिस्ट दैट ही गेट्स द बॉल. That was a crazy difficult delivery. I totally understood Babar getting out to that. Rizwan plays across the line to a full ball, first delivery, in an over where I, you know, I think like Pakistan itni bhati bhi thi Bumrah se, but I didn't think this was Bumrah's great spell. It was just Pakistani playing him horribly bad. Aur jis tarike se Rizwan ne usko khela, uske baad matlab, you know, that was... It was wild, and I think उसी वजह से जब आपने नसीम की बैटिंग देखी है and he is just बल्ला घुमा रहा है और दो तीन रन उसे मिल गए और ये दो literally you just had to do that a couple more times. Nasim was the first guy who tried and he came in as late as he did at 9. He was the first guy to try and innovate with the bat, which I think is a serious indictment of Pakistan's batting. कि पहला lap scoop उसने कोशिश की थी. You know the other guy Fakhar showed intent. Fakhar आया. Showed intent, got out, but you know he is the only guy. जब से पाकिस्तान ने बोला है कि हमने आयरलैंड के पहले मैच जो हारे थे इस सीरीज में, उसके बाद से हमने मीटिंग करी और कहा कि हम लोग अटैक करेंगे and our target is we go for 200 in every innings that we play. Fakhar is the only guy who stuck true to the words of that approach. You know, since then he's played a couple of really good innings. Of course he's gotten out as well, but that's the risk you run and that's the risk you take. T20 cricket mein maine you know I was writing about Rizwan's innings and it like lagti hai logon ko aur wo khud I think rationalize karte hain ki hamari low risk approach hai ki we're not going to take risks and we're going to take innings long and no, but the problem is ki aapki batting low risk ho rahi hai magar aapki approach jo hai na generally high risk hai because what you're doing is you're loading all the risk onto people who will be coming into the crease with far less resource than you, with far less time than you, with far less immediate experience of the surface. And especially kal jaisi pitch pe, it was really bordering on, I don't want to use the word criminal, but what? Reckless. Stupidity, negligence. Kehte. It was bordering on negligence, recklessness, for you to give up your wicket with that kind of shot, having been at the crease for so long. Yaar, 10th over mein, Gary Kirsten aaya tha field pe. And they talked strategy. Gary Kirsten ने ये बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, खुल के उसने बोला है कि हमने बात करी थी कि हम यू नो सिंगल्स और डबल्स ही में चलते रहेंगे, अगर बाउंड्री अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो वील पिक इट अप बट वी विल गो एंड देन सो ही सेड आफ्टरवर्ड्स दैट यू नो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वी काइंड ऑफ लाइक आई थिंक प्रेशर हुआ एंड वी काइंड ऑफ शिफ्टेड अवे फ्रॉम दैट एंड यू नो ही वाजंट ही डिडंट पिक एनी नेम्स आउट बट क्लियरली पार्ट ऑफ इट वॉज रिफरिंग टू रिजवान्स शॉट कि भाई आपकी जब स्ट्रैटेजी थी ये के यू ट्राई एंड पुश हार्ड, यू ट्राई एंड रन हार्ड फॉर वंस व्हेन यू नीड टू डू दैट यू कैन डू इट, यू डू इट. बट ही सडनली ही टुक ऑन बुमराह. आई डोंट नो व्हाट ही सॉ इन दैट लेंथ, मे बी ही सॉ समथिंग इन द एंगल के यू नो ही कुड गो फॉर हिज पिकअप शॉट. जो वो लेग पे खेलता है, पसलियों वाला जो शॉट खेलता है, यू नो ही काइंड ऑफ गोज डाउन एंड पिक्स इट अप. बट इट वॉज जस्ट बैड डिसीजन मेकिंग एंड दैट देन मेंट के यू वर एज ऑलवेज हीपिंग अ होल अमाउंट ऑफ प्रेशर on a middle order that frankly is also not fit to serve. Mera to yahi ek conclusion tha Ahmed kal raat ki game se. You know, bahut saalon se hum log argue kar rahe hain ki yaar top order ki galti hai, jo opening pair hai wo pressure heap karta hai middle order pe, middle order chance nahi leta hai, ye sab wo sab theek hai, lekin the problem is that actually both are not good. Your top order, your opening partnership is not the ideal opening partnership for T20s. And in all the 15, 16 middle order players you have tried, nobody, तुम खुद ही सोच लो, numbers देख लो, तुम किसी के भी नाम खुद याद कर लो, कोई एक middle order में ऐसा player नहीं आया है जिसने 7, 8, 9 innings में out of, and I'm not even saying a small sample, I'm saying कि 9 innings out of maybe 30, 35 innings over the last 3 years, who has put their case down impeccably and said, I am the guy who's going to bat at 4 or 5. किसी ने नहीं करा है. किसी ने नहीं करा है. सो यू नो बोथ
इज अ प्रॉब्लम इन द अल्टीमेट, लाइक द अल्टीमेट थिंग इज दैट बेसिकली पाकिस्तान की बैटिंग इस एरा में, टी ट्वेंटी बैटिंग ऊपर से लेके नीचे तक इज नॉट फिट फॉर दिस स्टैंडर्ड ऑफ टी ट्वेंटी क्रिकेट. जो अभी एलीट लेवल पे ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट, टी ट्वेंटी क्रिकेट खेली जा रही है, उसके लिए इट्स नॉट suitable for that, basically. Okay, so I think first of all, Pakistan ki batting kab suitable thi? Shayad Mushtaq Mohammad ki kaptani mein. Matlab, you know, other than that Inzi run in which our bowling sucked, like I've hated Pakistani batting with a passion my whole life. I've had very little reason not to. Matlab, ye koi karod dafa hua hai ki aapke bowler ne aapko ek match mein kahin pahunchaya aur aapke batters nahi kiya. I think dusri jahan tak baat hai ki haan, एक हद तक मैं, मेरा इत्तेफाक है कि यस वी डोंट हैव एनी सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैच. आई स्टिल फील दैट यू नो आई डोंट थिंक दैट्स हाउ यू मेंट इट, बट तब भी के मॉडर्न टी ट्वेंटीज में एक्चुअली यू डोंट नीड एनीवन टू काइंड ऑफ टेक अ क्लेम टू अ पर्टिकुलर पोजीशन राइट. यू एक्चुअली हैव टू बी एबल टू जस्ट स्कोर. तो उस तरीके में मैं अब भी कहूंगा कि आई डोंट थिंक इट्स अ टैलेंट इशू, इट इज अ माइंडसेट इशू. और उसकी वजह यह है कि भाई आपके पास एटलीस्ट लाइक ठीक है, इट्स नॉट आई 100% एग्री डोंट हैव ग्रेट बैटिंग, बट इन द लाइक्स ऑफ लाइक साइम एंड हारिस एंड आजम आपके पास मिसाल है लोगों की जो ऑल लीग्स में चल चुके हैं, पीएसएल पे चल चुके हैं, बेशक बैन अल-अक़वामी क्रिकेट में नहीं चले, पहली बात. मगर दूसरी बात जो मैं तफसील से करना चाहता हूँ, विल कम टू द प्लेयर्स इन मोर डिटेल एंड पिक अप ऑन व्हाट गैरी कर्स्टन सेड अबाउट इवॉल्विंग योर स्किल सेट. मैं दो बातों पर गौर अभी करना चाह रहा था कि कल के मैच ने यह साबित किया है कि ये जो रट लगाई हुई होती है ना, ये लोगों ने इसको एक सच माना हुआ है, ये एक कानून बना दिया है कि जी अगर आप, आपकी टेस्ट टेक्निक अच्छी है, आप एक यू नो इफ यू कैन प्ले प्रॉपर क्रिकेट वेल देन यू कैन प्ले टी ट्वेंटी क्रिकेट वेल. मतलब नो वन हु इज एक्चुअली पेड टू प्ले और कोच टी ट्वेंटी क्रिकेट थिंक्स दिस, बट जो पीपल हु टॉक अबाउट क्रिकेट से दिस एड नॉजियम. कल आपको इसकी मिसाल समझ आ गई थी कि आप टी ट्वेंटी क्रिकेट में even at 6 runs per over की required rate पे scoreboard pressure is because you're losing 5% you know whatever like yeah, 5% of your target number of overs every over right, like it's very different from a test, it's different from an ODI, the resources are going away much much faster, which means के आप you can't just keep waiting for the bad ball, the bad over, you have to take the initiative. India ने कल यही किया था कि मुश्किल पिच थी, टी ट्वेंटी क्रिकेट में आपको इनिशियटिव लेना होगा, आउट हो गए तो हो गए, मगर इसी तरीके से उतने रन बनेंगे. ये बेवकूफी वो यू पुट इट रियली वेल कि आपने लो रिस्क कहते हुए अपनी रिस्क यू जस्ट पुश इट टुवर्ड्स द बैक एंड ऑफ योर इनिंग्स एंड मेक इट वेरी वल्नरेबल टू कोलैप्स. ये अप्रोच में मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता. लाइक आई स्टिल बिलीव विद द बैटर्स इन पाकिस्तान यू कैन विद अ गुड कोच कैन टेक देम, यू जस्ट पिक वन ऑफ बाबर एंड सराउंड देम विद लाइक अदर हिटर होटर ये वो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मतलब कि यू नो कि आपके पास अब जो बात हो रही है कि इट्स नॉट जस्ट फॉर मी, इट्स नॉट जस्ट टैलेंट, कि दूसरी तरीके से आपने ये पुरानी सोच में लेके बैठे में कि ऑर्थोडॉक्सी खेलो ऑर्थोडॉक्सी खेलो, ये बैटिंग में डिसप्रूव हुई, उसी तरीके से बॉलिंग में भी डिसप्रूव हुई कि जी कल वो अश्विन सेड इट, सिड कोटिंग अ पीस बाय सिड मोंगा, व्हिच इंडिया डिड नॉट पिक अप ऑल 10 विकेट्स टू विन दिस मैच, दे जस्ट रिस्ट्रिक्टेड पाकिस्तान फ्रॉम स्कोरिंग दैट स्कोर, बिकॉज एट सर्टन पॉइंट डॉट बॉल्स एंड विकेट्स आर मोर लेस इक्विवेलेंट. अगेन आई डोंट नो द मैच बिहाइंड दिस, समवन एल्स कैन गेट टू इन डिटेल, मगर पॉइंट अगेन फिर से ये कि ये जो ट्रूइज्म है कि जी आप विकेट लेते रहे वरना उसके बगैर तो खत्म नहीं हो सकती चेज, यू हैव टू या सो दीस टू ह्यूज ऑर्थोडॉक्सीज अबाउट अबाउट अदर फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट परहैप्स आर नॉट ट्रू इन टी ट्वेंटी. और उसी वजह से मतलब वो मिडिल ऑर्डर में अगर आप यहाँ इस तरीके से आप दो एंकर्स के साथ यू नो फिर आप इनिंग्स में ला रहे हैं लोगों को और कह रहे हैं कि बस अब सब लोग घुमाते जाओ, आई डोंट थिंक बिकॉज ए आई डोंट थिंक दैट्स द बेस्ट अप्रोच बिकॉज यू आर पुटिंग दीज गाइज इन लेटर, बट ऑल्सो दैट आई फील बैटिंग लाइनअप्स हैव टू बी इन फ्लेक्सिबल. तो मतलब कि आपको 180 जिस दिन चाहिए उस दिन आपने रिजवान बाबर दोनों से कहा कि भाई तुम लोग नहीं आओ, आई थिंक ये लोग पहले एक्स किस्म का बॉलर कराएंगे, दिस गाय इज अ गुड मैचअप, लेट्स सेंड हिम इन फर्स्ट, लाइक दैट शुड बी द थिंकिंग. जो हमारी उस तरीके से थिंकिंग जा ही नहीं रही है. कल 300 वसीम को ऊपर भेजा था, थिंकिंग यही थी बाय द वे कि लेफ्टी है, दे वांटेड अ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, एंड थिंकिंग ये थी ना कि हाँ ठीक है एक दफा हजरत बाबर और हजरत रिजवान का जो यू नो
इज्जत दौरा खत्म हो जाए बैटिंग का, द इनफैलिबल वंस आर डन, देन मे बी वी कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डूइंग थिंग्स. आई मीन लाइक एन इमाद वसीम तो मैन जस्ट एनीवे बट आगे बढ़ते बिकॉज आई थिंक जो मैं कहना चाहता हूँ अगले टॉपिक में आ जाएगा. सो उस्मान मे बी यू कैन टॉक अबाउट इन डिटेल बट गैरी कर्स्टन ने बात की है. कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गैरी कर्स्टन बेसिकली दो सवाल के जवाब उसने दिए. एक सवाल था कि यू नो पाकिस्तान प्लेयर्स ने प्रेशर नहीं हैंडल कर, बेसिकली अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला जितना जितना एक्चुअली था. और दूसरा सवाल था आई थिंक अबाउट माइंडसेट या किसी चीज का बना था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. बट दोनों सवाल का जो जवाब वो ले आया जिस पॉइंट पे वो ये था, उसने नाम किसी के नहीं लिए बट ही सेड दैट यू नो पाकिस्तान हैव गॉट अ लॉट ऑफ यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू रीड आउट द एग्जैक्ट कोट. आई थिंक वी ओव इट टू द टीम एंड वी ओव इट टू दीस गाइस टू रीड आउट द एग्जैक्ट कोट. इफ यू जस्ट बेयर विद मी वन सेकंड, हियर वी गो. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन वाज डू यू थिंक द टीम टुक मोर प्रेशर ऑन देमसेल्व्स देन वाज रिक्वायर्ड, एंड ही सेड यू आर प्रीटी मच स्पॉट ऑन, दीस गाइस आर ऑल इंटरनेशनल प्लेयर्स एंड दे आर अवेयर दैट व्हेन दे आर नॉट परफॉर्मिंग एट देयर बेस्ट that there's going to be pressure put on them. That's understandable. But a lot of these guys have played a lot of T20 cricket around the world over many, many years. And it's really, and this is the kicker line, by the way, and it's really up to them to decide how they're going to take their games forward. Ye pehla. Dusra sawal tha, wo ye tha, my question is that the big team always hold their nerves. In one match, we cannot defend the total. In another match, we cannot chase the total. What is the mental block? What is the issue? You know, whether it's the captaincy or the players. So here he says, as I've said, I've only been here a handful of days. I'm having a look into the environment and looking what the issues are. I look at these players. I've watched them play many, many years on TV and kind of getting to know them. They're fantastic guys. They're playing for their country, so they really are pumped. I mean, there's a lot of very disappointed guys in the change room now. Now this, I think for me, the most important thing for every international player is that you continue growing and developing as a player and understanding what the demands of international competition are. The game is changing pretty much every year. So if you're not up to it and you're not improving, then you're going to get found out somewhere. Now, okay, the caveat is that I wasn't there at the press conference. Maini tha, hamare liye Sid tha, Monga was there. Monga ne bhi suna, you know, but I feel like, in his own way, that's a pretty strong two statements, which I think he's referring to, like, jo Pakistan ka core group hai na, team ka, T20 team ka. Aur isme se core main aapko samjha dun ke 2021 World T20 semi-final mein against Australia, 7 player the, jo kal ki 11 mein the. 7 players. I had 7 players from that 11. They had 6 players from the team that played the final. A year later, in 2022, they had 6 of those players in their 11. So there's clearly a developed core. Rizwan hua, Babar hua, Shaheen hua, Shadab hua, Haris Rauf hua, Fakhar Zaman hua. Ye 6 aise hi ho gaya, theek hai na? Inhe ye keh raha hai ke agar aap improve nahi, aur ye aapke upar hai, ke aapko evolve karna hai, aapko improve karna hai, aur agar aap nahi improve karenge, game jis tezi se badh rahi hai, aap peeche reh jayenge. Like, to me, that is a player... pretty clear statement to guys like Shadab. I'm not going to hide behind that. Guys like Shadab, guys like Babar, guys like Rizwan, even guys like Fakhar Zaman, that if you're not evolving your game, Shaheen, if you're not evolving your game, Haris, if you're not evolving your game, if you're not improving yourself, if you're not trying to catch up, then you're going to be left behind. Aur phir aapke saath wahi hoga jo is tournament mein so far hua hai aapke saath. That you've looked, you know, mujhe yaad aa raha tha, 2016 में मैंने कवर करा था जो T20 वर्ल्ड कप था, तो मैं याद होगा इट वाज लाइक वन ऑफ पाकिस्तान वर्स्ट T20 वर्ल्ड कप कैंपेन्स. शायद आफ्रीदी कैप्टन था, मोहम्मद इरफान को वो लोग पॉइंट फील्डर बना के रखा हुआ था उन लोग ने, लाइक दी वर्स्ट. उमर अकमल एंड एमएस आजाद, यू नो दिस इन अ इट्स नॉट दैट कैंपेन एट ऑल, वेरी डिफरेंट. बट बॉटम लाइन जो आपको एक वो आ रहा है ना, नजर आ रहा है, असेसमेंट जो इस करेंगे ना, यू लुक एट दैट टीम एंड यू लुक एट दिस टीम एंड यू से कि दोनों अपने ओन कॉन्टेक्स्ट में, बोथ दीज टीम्स आर आउट ऑफ डेट टू व्हाट इज हैपनिंग इन वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ. नॉट ऑल ऑफ द प्लेयर्स, नॉट द इंटायर टीम, मगर गैरी कर्स्टन का ये पॉइंट सही है कि अगर आप नहीं अपने आप को इवॉल्व करते रहेंगे एज प्लेयर्स,
Gary Kirsten has coached India. He's with an IPL team right now. So he's at the forefront of what cricket looks like, really. Agar aap nahi apne aap ko evolve karenge, then you're going to get left behind. And this tournament, they're not out yet, but it really does feel like ke Pakistan have been left behind compared to the other bigger teams. Even bigger teams, by the way. I'll make this point after you make your point. Scotland ke baare mein. Pakistan are looking behind somebody as well planned as Scotland right now. I'll get to that. I think those are two separate things, right? Like the planning and the evolution of individual players. So let's... जो पहली बात थी हमारी, इस पर पहले भी थोड़ी गुफ्तगू हुई थी, एंड आई'd लाइक यू टू गिव योर डिटेल्स एज वेल, क्योंकि मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ गैरी कर्सन की बात से. फॉर सम ऑफ दीज गाइस, आई थिंक आई वुड नॉट पुट इट ऑन ऑलमोस्ट एनी ऑफ आवर बोलर्स, नॉट शाहीन, हु हैज हैड जीरो सपोर्ट ऑन हिज डेविस्टेटिंग इंजरी, हैड टू कम बैक ऑन हिज ओन, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम हैज इवॉल्वड इट टू बी अ बेटर बैटर. आई थिंक नॉट नसीम. I don't think Nasir would have been part of that anyway. I think Shadab and Haris Rauf, again, like there's room for improvement, etc., for sure. But they, Haris Rauf has still been a really good bowler when used correctly. And Shadab's bowling has definitely struggled. His batting and fielding still remain like really good. And I think more importantly, the in sabke maine naam liye, inko bain al aqwami leagues mein contracts mil rahe hain. They're winning tournaments, they're winning matches. They are highly valued in that free market. Amir is as well. Who isn't valued are your Babers and Rizwans. I think ye to pata nahi inko kab se koi shayad deal nahi mili bhi hai. And, you know, Fakhar has kind of really fallen off for a little while as well. But he's gotten those deals. I think, when they come to batting, then there are a lot of names there. You know, like, Iftikhar struggles against spin for the last decade. He still struggles against spin. You know, Imad is a decent bowler for T20 cricket, I think. He's definitely not an all-rounder, in my opinion. और नहीं वो नहीं उसकी फील्डिंग वगैरह, एथलेटिसिज्म, none of those things have taken a leap up. Again, Babar और रिजवान तो are really anachronistic kind of guys, and Rizwan in particular, अब he's played so many big games in which he hasn't played well that you know you kind of have, usually होता है कि बड़े मैचेस का सैम्पल साइज कम होता है, बट अगले चार PSL फाइनल खेले हैं, दो ICC इवेंट के नॉकआउट्स खेले हैं या तीन खेले हैं, you know, he's had this issue for a while. तो यहाँ पे अब मतलब मुझे, और तो ये होगी प्लेयर्स की एवोल्यूशन, और आई थिंक ये बिल्कुल सही बात है कि आपकी बैटिंग में कम ही नाम नजर आते हैं, और तारीखी मसला है. इट्स नॉट रियली दिस जनरेशन दैट जनरेशन. यू हैड एन इशू विद बैटिंग सिंस लाइक आई वुड से मे बी सिंस लाइक यू नो द इमरान खान द फर्स्ट जब व्हेन ही केम अराउंड ही काइंड ऑफ स्विचेस लाइक यू नो पाकिस्तानी आई थिंक माइंडसेट चेंजेस अराउंड दैट टाइम. In terms of like who we venerate, and we've not had the same kind of batters as we've had like both pacers and spinners in the many decades since. But I think aapke paas tab bhi, you know, thoda bahut wo hai. You've got like, you know, you see somebody like Saud Shakil really revamping his game. You look at much more limited player, but Shaan Masood made that effort. He is a World Cup T20 finalist as well. आपके पास मिसाल है ये अब्दुल्ला शफीक और सलमान अली आगा की, कि वो थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं. और मेरे ख्याल में अगर यही खिलाड़ियों को थोड़ा एक्सपोजर मिलता रहता है व्हेन यू गो टू अदर लीग्स एंड यू आर लुकिंग एट हाउ पीपल आर कंडक्टिंग देमसेल्व्स, बिकॉज नाउ टू कम बैक टू व्हाट यू सेड अबाउट स्कॉटलैंड एंड पाकिस्तान बीइंग बिहाइंड, आई थिंक लाइक आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस, यू नो, इफ यू आर ऑस्ट्रेलियन और इवन इफ यू स्कॉटिश और इंग्लिश, यू आर ऑल्सो एट सम लेवल कमिंग अक्रॉस अदर एथलीट्स इन अदर स्पोर्ट्स, फुटबॉलर्स in both countries, who are used to a much higher level of professionalism. And, you know, just, matlab, wo dekha dekhi mein hi aap thoda sa apna level badha sakte hain. Jabki Pakistan mein, matlab, cricket se kareeb kareeb kuch bhi nahi hai. Matlab, main sirf sports ki baat nahi karta, aur bhi endeavors mein hamari lack of professionalism and lack of institutions is insane. Yeah. Aur wahan pe bhi, matlab, you know, ke this morning after you've lost, like everything he's done since he's come into power has been absolutely ridiculously bad, like comically bad. He still holds the interior ministry and freaking senator position. And now Mohsin Naqvi saab jo channel bhi chalate rahe hain, wazir
दाखला भी रहे हैं, सेनेट भी चला रहे हैं पाकिस्तान चैंपियन बोर्ड में, अब वो बात कर रहे हैं सर्जरी करने, लाइक आई मीन हॉरिबल एनालॉजीज एंड जस्ट लाइक आई बाय द वे आई डोंट नो इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट आई हैव बीन ट्राइंग टू चेस अप दोस कोट्स ऑल डे, ना कहीं रिपोर्ट हुई है. आई कैन एक्चुअली अटेस्ट टू दैट, क्योंकि सुबह से उस्मान मैसेजेस पे मैसेज भेज रहा है, भाई ये कहां बोला है, किसने बोला है, किसने वीडियो बनाई, बट हु केयर्स, वाज दैट सर्जरी इज एवरीवेयर. So effectively, yeah. He said it. Whether he said it or didn't say it is now beside. I think he's had it. What most likely happened is that he's fed it to a couple of journalists who were there, and just said, "Look, I'm not going to put my name to it, like definitively, but go ahead because I want to create the thing." And it's completely part of the problem. You know, you have abhi slight digression pe agar jaye, to Mohsin Naqvi ke ek bahut acche dost Wahab Riaz has been part of the squad. Which is fine, like he's there as a selector, and I actually managed to find out that a lot of squads have their selectors there. So, okay, it's not the worst thing in the world, but he's actively like wanting to be a part of the team still. He's got some kind of massive FOMO happening about being, you know, he's bowling in the nets the other day. George Bailey does that as well. Yes, I know this. But he was presented a cap before the match against India and stuff. It just feels like he's... I don't know what... What are Wahab's credentials? मैं ये कहना चाहता ना कि आप अगर और मुल्कों में कह रहे हो कि भाई वहां पे भी तो सेलेक्टर मौजूद है, तो अगर मतलब जॉर्ज बेली मौजूद है, क्या जॉर्ज बेली पिछली इंटरिम हुकूमत में मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स भी थे या नहीं? मतलब ना कि वहाब इज ऑल ओवर द प्लेस ड्यूड, लाइक ही इज कभी मिनिस्टर बन रहा है, फिर वो चीफ सेलेक्टर बन गया, अब वो सेलेक्टर स्लैश नेट बॉलर बन गया है. दिस इज नॉट suggesting a man with a very clear agenda of how to improve the team using his expertise, right? Like he's yeah. somebody who's like, how can I stay relevant now that I'm retired? He's also on TV, then he became a minister, then he became chief selector, now he's this. Can I use my line? Can I use my line? That book? My line, I was very proud of this line earlier when I said that wo cricket ke Humayun se hi hain, basically. Which is that talent levels shayad अचीवमेंट लेवल्स और भी और टैलेंट लेवल्स भी शायद क्वेश्चनेबल हो, मगर यानी सुपरस्टार भरम तो है वहां पे कि yeah. हम बन गया, you know? एक्सपेक्टेशन है कि मतलब मैं टॉम क्रूज व्हिच आई मीन इट जस्ट स्ट्राइक्स मी इज वियर्ड हाउ एम्बेडेड इज. एनीवे इट इज अ डाइग्रेशन, बट इट इज ऑल्सो यू नो इट्स काइंड ऑफ नॉट बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द होल इशू, इट्स पार्ट ऑफ द होल प्रॉब्लम. कि आप अगर आपके चेयरमैन सर्जरी की बात कर रहा है, लाइक यू नो दिस इट्स सर्जरी, वो भी कहां से होगी, किसकी होगी सर्जरी, वट एवर. आई थिंक going back to Kirsten's point, I think definitely the batters Rizwan aur Babar mein koi mujhe wo nazar nahi aati hai, aur ye humne pehle bhi cash show pe is pe galiyan bhi padi thi shayad hame, ke you know Babar certainly I just don't see in him, the more I see him play and the more I see him lead, mujhe wo drive nahi nazar aati. Ab this is in one sense bahut hi ek offensive statement hai, because yaar बेचारा वो यू नो स्पोर्ट्समैन बना है, एलीट एथलीट बना है, उसमें ऑब्वियसली ड्राइव है, लाइक टू गेट टू वेयर ही इज, टू वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन द वर्ल्ड, ही ऑब्वियसली हैज लाइक अ ड्राइव दैट यू एंड आई कैन ओनली ड्रीम ऑफ. यू नो हम लोग नहीं सुबह में 6 बजे उठ के पुराने जूतों में जाके बाहर खेल रहे हैं, नेट्स में मिंटो पार्क जाके, यू नो वी डोंट डू एनी दैट. बट आई जस्ट फील लाइक अब तक मुझे ये नहीं नजर आया है कि उसने अपनी गेम इवॉल्व करी है. वो आपको साफ एक नजर आता है, उसने अपनी गेम नहीं इवॉल्व करी जिस तरह से. अगेन यू नो मुझे कितने इंडियन जर्नलिस्ट कल कह रहे थे कि यार एक जमाने में कोहली से कंपेयर करते थे, कोहली को इफ यू सी व्हाट ही इज डन टू हिज गेम दिस सीजन अलोन इन हिज 20th ईयर ऑफ प्रोफेशनल क्रिकेट, व्हाट ही इज डन टू हिज गेम दिस सीजन, उस तरह की मुझे इंप्रूवमेंट, यार रोहित शर्मा ने जो अपनी गेम इंप्रूव करी है, लाइक यू जस्ट डोंट सी दैट काइंड ऑफ थिंग येट इन बाबर. इट मे कम, यू डोंट. यू वर सेइंग के बॉलर्स का, you know, bowlers, you wouldn't put that tag on the bowlers. Maybe it's a difference of nuance or degrees. I think until the 2023 World Cup, Shaheen mein wo mujhe lag raha tha, nazar aa raha tha ki he was not willing to evolve beyond jo wo usse ek do saal pehle ban gaya tha, especially with the white ball, full length shuru mein aur usi pe attack karo. But 2023 World Cup mein nazar aaya, kafi saaf nazar aaya ki he was actually thinking about his bowling, he was turning things around. Shadab, I will go harder on him than you did. I think, and you know, I don't think he's not, he's too smart and too good to not want to evolve. I think usme wo
कीड़ा है कि उसे इवॉल्व करना है, बट ही इज जस्ट नॉट, आई डोंट नो फॉर व्हाटएवर रीजन ही इज नॉट बीइंग एबल टू डू सो, वेदर इट्स कंसिस्टेंट इंजरीज, वेदर ही डजंट हैव टाइम बिटवीन गेम्स, आई डोंट नो व्हाट इट इज, मगर उसकी बोलिंग, और मैं इसलिए ज्यादा हार्ड जाऊंगा उस पर बिकॉज यू नो ही शादाब एट इज बेस्ट एज एन ऑलराउंडर ब्रिंग्स अ बैलेंस टू द पाकिस्तान साइड विच चेंजेस द नेचर ऑफ दैट साइड. 2022 वर्ल्ड कप में आपने देखा, 2021 वर्ल्ड कप में देखा कि शादाब अगर बॉलिंग अच्छी करा रहा हो तो फिर पाकिस्तान की पूरी थ्रेट बदल जाती है. और शादाब अगर अगर यू नो बैटिंग उसकी वैसे थोड़ी इंप्रूव हुई है, बट एंड मे बी आई वाज रॉन्ग व्हेन आई सेड दिस अ फ्यू डेज अगो, मे बी हिज बैटिंग इज नॉट एट दैट लेवल राइट नाउ वेयर ही गेट्स इनटू द साइड एज अ स्पेशलिस्ट बैटर. आई डोंट नो मे बी ही हैज टू हैव अनदर बो टू हिज स्ट्रिंग, बट इफ दैट बो इज हिज बोलिंग देन ही इज नॉट गोना. Like his bowling has gone so down or so stagnated that he's become a liability for Pakistan with the ball. You know, kal usne ek bhi over nahi karaya. Babar didn't feel the need to kind of bowl him a single over. Then he comes in at number six. Has he got the game to just be a specialist number six for Pakistan? Maybe he does. But I just feel like usse apni bowling ko drastically kuch uplift lana hai apni bowling mein, because that is something that really helps Pakistan's balance. I feel के शादाब वाले पॉइंट पे जो मतलब आई डोंट डिसएग्री, बट आई थिंक जो मैं वही बात कहूंगा कि he's been injured for a while and he's not had any break significant. और वहीं पे फिर आपकी फिर से बात आ जाती है कि आपने 10 करोड़ सीरीज रख ली और फिर PSL हुई और उसके बाद भी क्योंकि नए चेयरमैन को अपना दिखाना था तो उन्होंने जी आर्मी के पास भेज दिया, फिर ये तो वो उस किस्म की हिमाकतें आप कर रहे हैं राइट. और आपके पास आपकी मिसाल है कि शाहीन जब इंजर हुआ तो उसको सालन मतलब होटल तक के पैसे नहीं दिए, वो कंफर्ट इन पे जो है बैठा हुआ फ्री ब्रेकफास्ट खा रहा है. लाइक यू नो, सो आई फील लाइक विद बोथ दीज गाइज लाइक देयर इज इनफ मिटिगेटिंग फैक्टर्स. एंड आई थिंक के आई वाज आल्सो मे बी कन्विंस्ड बिकॉज लाइक आई लुक्ड एट आमिर हु गेट्स यू नो लाइक ही इज लाइक ओके फाइन आई एम अ टी20 बॉलर, आई एम नॉट प्लेइंग फॉर द नेशनल सेटअप. बट आई थॉट आमिर तब भी थोड़ा सा you know like the last PSL that I was part of in 21 I was like just a bit doubtful about like you know comparing him to the likes of Shaheen wagaira, he'd fallen off a little bit. Mm-hmm. But he's added a lot more to his repertoire and I can see that happening with Shaheen and Shadab, not maybe as bowlers but like they're like okay you know I'm maybe working on my batting a little bit or working on something like that. Like main abhi bhi agar mujhe Shadab ko khilana hota Pakistan ka main coach director wagaira hota, I would bring Abrar on, have him as my primary spin option and use Shadab as like a floater across the innings where it's just like I don't need you to do Shadab batting ke bare mein ek sawal ka jawab do. Kal before the wicket fell, how confident were you that Shadab could come out and finish this game? शादाब वॉज दी ओनली होप आई हैड ओनली बिकॉज मुझे ये था कि भाई ये डबल ले लेगा और उसने एक लिया था जल्दी से और मुझे यही था कि मुझे सबसे अपने बाल नोचने का दिल ये चाह रहा था कि यार यू गाइज फॉर सम रीजन कीप थिंक लाइक ऑल दे वर डूइंग इज कि जिस तरफ उन्होंने अपनी बाउंड्री राइडर्स नहीं रखे थे उस तरफ शॉट खेलने की कोशिश करे जा रहे हैं कि मैं किसी चौका मार लूं. ब्रो जस्ट टैप इट एंड रन, इट्स रन अ बॉल लाइक एंड देन यूल गेट वन इनसाइड एज और वन full toss or something and you'll hit that like I mean it was incredible. So I think you know, I never point to answer your question, agar Shaheen was coming in with Pakistan needing 10 and over against this bowling attack, I wouldn't trust Shaheen. Shadab ki hum baat kar rahe the, I wouldn't trust Shadab's batting to take us through. I think in that situation yesterday it was still like 7-8 and over and like I'd be very honest I think I was very shocked by Shadab's lack of temperament as well. Jis tarike se wo Hardik Pandya kind of chases him and he just then wafts at it was, you know, I was very disappointed. He's one of those players jinse aapko koi umeed hogi ke kuch aur karne ki koshish karega. So definitely like mentally they were all struggling a lot. But yeah, like I think, you know, mera abhi bhi belief I think the point that Monga made was that they made it very easy for Rohit and the bowlers to set fields for them. Yes. And just soak up the runs. Kuch unhone koshish nahi kari, kisi bhi batter ne, until Naseem. Lambi boundary. Rohit Fakhar, nobody tried to do anything. It was wild. It was just like, they would look at where the long boundary is. They would station the guys on the boundary there and they would bowl 6 deliveries there. And these guys were not trying anything except trying that boundary on the short side.
भाई आपसे नहीं लगा तो कुछ और ट्राई कर लो यार, लाइक फॉरगेट द स्कूप एंड क्यूट शॉट्स, जस्ट लाइक टैप इट समवेयर, लाइक व्हाट वाज क्रेजी टू मी वाज द नंबर ऑफ टाइम्स दे वर आल्सो जस्ट लाइक एमलेसली टैपिंग इट, फील्डर के पास जाती थी एंड दे वर लाइक नो रन, ब्रो लाइक आई मीन दिस इज आई डोंट इवन अंडरस्टैंड लाइक दिस दिस इशू वाज रिजॉल्व्ड इन द 80s मैन, लाइक आप लोग क्या कर रहे हो, इट वाज यार वही द स्टार्केस्ट, आई मीन the biggest, most telling, and ultimately the most relevant contrast was with Pant. You know, Pant figured out is pitch pe kya karna hai aapko. And usme, usne ye bhi figure out kar liya ki usse, usse malum hai ki it's risk and it very high chances that it doesn't come off. Magar usse ye malum tha ki if it doesn't come off, and this is where I guess he's different to somebody like Azam Khan, somebody like Usman Khan, somebody, you know, who... as well as obviously being a better player than both of them, that's the obvious point I'm not making, but yeah. mentality mein usse ye malum tha ki wo koi is tarah ka utpatang shot try karega, I love that word, aur wo agar out bhi ho jayega na to agli game mein uske upar koi questions nahi honge ke no yaar pant ko aapne 3 number pe bhej diya, india haar gaya, ab aap no, wahan ke jo think tank hai with rahul dravid, with rohit sharma, with kohli as one of the senior players, with everyone, they would not have gone crazy over Pant's dismissal, they'd be like, yeah, fine. He assessed the pitch. He assessed that uska best shot tha is tarah se khelne ka. And we give him that. We give him that kind of freedom, you know. So, and I just can't see that like happening in Pakistan at all. Jo bhi aap coach le aao, jab tak aapke paas, you know, basically insecure players hain, insecure aapka captain hain, because इनसिक्योरिटी ऊपर से एकदम आती है, चेयरमैन से आती है, यू नो लाइक चेयरमैन भी बदल जाए, जब तक आपका वो नहीं बदलेगा देन व्हाट विल यू डू, एंड यू सेड इट बिफोर, वी सेड इट बिफोर, इट्स नो सरप्राइज दैट आजम खान जैसा प्लेयर, आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम बट आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट कि ही वर्क्स बेटर इन फ्रेंचाइजेस वेयर दे हैव आइडेंटिफाइड अ रोल फॉर हिम, टोल्ड हिम द रोल एंड सेड कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम आउट भी हो जाओगे, It's a given. They don't even have to say it to him. कि तुम out भी हो जाओगे तो हम तुम्हें अगले मैच में ड्रॉप नहीं करेंगे. हम तुम्हें खिलाएंगे because this is how you fit into our strategy. हम ये strategy बना रहे हैं. This is how you fit into it. Let's play. Pakistan, I don't think have gotten to that stage where strategy is beyond के मैं और बाबर जो है ना, मैं और रिजवान 15-16 ओवर तो खेलेंगे, solid platform बनाएंगे, विकेटे रखेंगे हाथ में और फिर उसके बाद तुम लोग आके काम कर लेना. That is the extent of their planning. आई मीन ये आपको तो आपके पास सबूत है राइट, कि रिजवान कम्स ईयर एंड हाफ अगो कम्स ऑन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड इज लाइक मेरा दिल टूट रहा है और दिल दुख रहा है और क्यों मुझे लोग कह रहे हैं कि ओपन ना करो, ये करो, वो करो. आई मीन लाइक अ रिमार्केबल स्टेटमेंट बाय अ सीनियर प्लेयर हु हैज नॉट हैड एनी T20 सक्सेस आउटसाइड ऑफ द PSL और द पाकिस्तान नेशनल टीम. इट इज रिमार्केबल स्टेटमेंट टू मेक इन द फैक्ट कि आपकी अपनी PSL टीम इतनी ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह कर रही होती है, कुछ वहीं से सीख के आ जाते हैं आप. और फिर ये आपके पास वही यू नो लाइक एज वी नो के जी नए चेयरमैन आए, उन्होंने पिछला कप्तान हटाया, इसको डाला, उसको डाला, फलाना निमकाना. सो लाइक एवरी कैप्टन इज गोइंग टू बी इन अ पोजिशन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इनसिक्योर. उसमें how do you like you know this was Daniel Rasool for Cricket Info wrote something great as well ke ek taraf aapne plan kiya bhai ji hum PSL karenge fir kakul bhejenge fir England ke khilaf khilayenge New Zealand ke khilaf khilayenge ye karenge wo karenge somehow all of that you still ended up with the same formula you were using for the last like 5 years and you got the same guys in there matlab koi naya nahi aaya kuch nahi aaya uske upar aap Abrar aur Abbas Afridi ko muft mein le aaye jinko you clearly have no intention of playing them so you somehow put yourself a 13 man squad And after you took the last possible minute to announce your squad as well, and you and I both know kis level ki wahan pe competency chal rahi thi peeche. To yeah, so I feel like sabke baad aap kya tawakkuat rakh sakte hain kuch cheez badalne ki na? Like again, like which always happens at least in my lifetime, is ke the bowlers overperform for a little while and you pull off some heists and maybe you win a title, but. वही के पाकिस्तान में आई थिंक बैटिंग की एवोल्यूशन आज नहीं मतलब सालों से कोई इंटरेस्ट नहीं है और बहुत सारे वही जो आपके फेल्ड नेवर इवॉल्विंग बैटर्स द सलमान बट्स एंड द मोहम्मद हफीजेज एंड द अदर नेम्स लाइक मोहम्मद यूसुफ वगैरह आर ऑल द पीपल हु आर मेकिंग दिस डिसीजंस एंड द मामूल हक
यही डिसीजंस ले रहे हैं, यही बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, इन्होंने खुद कुछ भी नहीं किया और ना ही किसी और से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई वांटेड टू गेट, यू मेंशन पंट एंड आई वांटेड टू गेट एट इंडिया एज वेल। एक बड़ी हैरान कुन चीज उस्मान ने उससे बात की थी, क्योंकि मैं कह रहा था कि भाई आप बॉलर्स को सलाम है कि उन्होंने 3 आई थिंक T20 मैचेस में इंडिया को 160 प्लस से नीचे रखा है वर्ल्ड कप वर्ल्ड में, कप और में पिछले समथिंग 3 लाइक वर्ल्ड दैट। कप्स में। या एंड देन यू मेंशन दैट इंडिया इज ओनली क्रॉस्ड 160 अगेंस्ट अफगानिस्तान, नेदरलैंड्स, हु एल्स, जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे या वन या सो एक एंड सो आई थिंक इंग्लैंड दे क्रॉस्ड इट अगेंस्ट इंग्लैंड इन द फेमस सेमीफाइनल ऑफ द लास्ट टूर्नामेंट व्हिच ऑफ कोर्स इंग्लैंड चेस्ड डाउन इन अबाउट 3 ओवर्स सो दैट टोल्ड यू ना कि वो पिच यस 168 on that pitch was like making a, I don't know, 50 yesterday or something, you know, yeah उस पिच पे that, it was that level of kind of thing. Yeah, so you know, this is the thing कि इंडिया की they haven't been like a, you know, they've in a different way they've had the same kind of problems that Pakistan has yes faced. You know, they have batters who are set in their ways, who are not evolving, and they're being carried to a degree by their bowling, which is outstanding. They've got, you know, a non-performing. कल हार्दिक पांड्या ने विकेट ले ली यार. हार्दिक पांड्या has just come off possibly like the worst IPL season for any big Indian star like ever. Rohit had a pretty crap season as well, but you know, Hardik Pandya came off like not only did he not perform, but everywhere he went, उसे क्राउड बू कर रहा था, गालियां बक रहा था, एवरीवन हेटेड हिम, सबने. एंड यस्टरडे ही केम आउट एंड लाइक टुक टू इंपॉर्टेंट विकेट्स, यू नो, टुक गॉट फखर गॉट. So their bowling has worked. Their batting has not been. The batting has been bound down by the same problems. अभी भी, you know, लोग बात करते हैं कि यार शुभमन गिल को आपने नहीं पिक करा है टीम में, ये नहीं वो, रिंकू सिंह नहीं है जो कल क्राउड में था, आई थिंक वो आया हुआ था, यू नो, सो देर स्टिल काइंड ऑफ बाउंड बाय कंजर्वेटिव. मगर इंडिया का जो, यू नो, द ग्रेट थिंग अबाउट दीज इंडियन प्लेयर्स इज अबाउट गाइज लाइक रोहित एंड कोहली हु And this is, I said it earlier on the group today, हम मुझे बात कर रहे थे, and I, you know, I had to check myself because इतना मैं अंकल साउंड कर रहा था ना, इतना मैं अंकल साउंड कर रहा था कि मैं सोचा मैं एक पाइप रख के बैठूंगा और शर्ट और बेज पैंट्स पहन लूंगा और ऐसे ऐसे मुझे बोलना चाहिए. बट देर इज अ बेसिक अनडाइंग रिस्पेक्ट फॉर द गेम इन दैट एंड अ ह्यूमिलिटी टू द गेम कि यार आप अगर इंप्रूव नहीं करोगे ना अपने आप को, और ये हर प्रोफेशन में अप्लाई करता है यार, दैट आप अगर इंप्रूव नहीं करोगे तो तुम आप पीछे रह जाओगे, बहुत बुरी तरीके से पीछे रह जाओगे. उसमें अगर आप खुश हो तो ठीक है, यू नो, अल्लाह आपको खुश रखे. लेकिन अगर आपको वाकई में कोई ड्राइव है अंदर की, कुछ आपको एक एक है बेसिक कि यार ये मेरी जॉब है, इस पे मुझे हर दिन कुछ नई चीज में इंप्रूव करना चाहिए, दैट यू कैन सी इन गाइज लाइक कोहली, इन गाइज लाइक रोहित शर्मा. और दैट्स व्हाई देयर बैटिंग दिस टाइम still feels slightly better. They have an evolved, slightly more evolved coach in Rahul Dravid who understands these things. He understands the format, I think, better than, you know, a lot of coaches. So it's just it's different. So India की जो हम लोग batting की बात कर रहे थे was because they hadn't been a great batting side for a while. You know, I even think so. despite all the riches, India की problem है कि how do you translate at a stratospheric difference of level to us. उनका भी वही डिबेट है कि यार ये सब तो सिर्फ आईपीएल के प्लेयर्स हैं, इन्हें क्यों टीम इंडिया में क्यों डाल रहे हो, ये सब आईपीएल के प्लेयर. हम लोग कहते हैं कि यार ये तो पीएसएल का प्लेयर है सिर्फ, यू कांट, पीएसएल और सोशल मीडिया का प्लेयर है ये, क्या बकवास है ये, ही इज ओनली अ पीएसएल सोशल मीडिया प्लेयर, वहां पे भी आईपीएल और सोशल मीडिया का प्लेयर है, ऐसे आप कैसे ला सकते हो. अलग लेवल तक का है उधर, मगर वो ड्रॉबैक्स अभी तक वहां भी हैं थोड़े, वो हैंगअप सॉरी अभी भी थोड़े कुछ हद तक हैं वहां. नहीं, और बिल्कुल जायज एक, मतलब इट्स, यू नो, वही है कि आप जब नुआंस में जाते हैं तो बहुत आसमान जमीन का फर्क है, मगर ऊपर ऊपर से वही बात हो रही है. क्योंकि 2015 के वर्ल्ड कप में जब इंडिया हारा था तो, और ये 17 में भी चैंपियंस ट्रॉफी में ये बात हुई थी कि उनका जो टॉप 3 था, शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली, दे वर सो गुड कि मिडिल ऑर्डर को बैटिंग करने का मौका नहीं मिलता था. जब उनके ऊपर बारी आती थी तो फिर वो अच्छा नहीं खेल पाते. इस बात को 9 साल हो गए हैं, उस पूरे अरसे में अभी, मतलब रोहित और कोहली के अलावा लिटरली नो वन रियली एस्टैब्लिश, यू नो, यू आर सेइंग कि पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर ने किसी ने एस्टैब्लिश नहीं किया इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, एटलीस्ट इन T20 क्रिकेट इंडिया में भी. मतलब कि केएल राहुल का पूरा करियर शुरू खत्म हो गया, रोहित और कोहली कहीं गए, यू नो, शुभमन ला गिल, गया तो कुछ लोग हैं स्काई हैं भी काफी अच्छे से है. लाइक ऐसा नहीं है कि स्काई, मतलब यू नो, ही कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द टीम अ लॉट अर्लियर.
यही आकाश किशन किशन था और पंत है, पंत ऑब्वियसली कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी एटसेट्रा, बट मैं ये सोच रहा था कि अगर इंडिया ने भी मे बी 4 years अगो और व्हाटएवर, सर्टली नॉट ना, सर्टली नाउ, कि जो 2007 में गलती से हो गया था कि जी वो क्योंकि आयरलैंड से ओडीआई में हारे थे, आयरलैंड से नहीं सॉरी बट किक आउट ऑफ लाइक बांग्लादेश, बांग्लादेश बांग्लादेश, में हारे थे एंड हैड कम आउट नॉक्ड आउट द फर्स्ट राउंड ऑफ वर्ल्ड कप, दैट यू नो यू सेंट दिस टीम ऑफ कंप्लीट लाइक यंगस्टर्स टू द T20 वर्ल्ड कप एंड दे गो ऑन एंड विन इट. बट इंडिया, आई रियली फील इफ दे सेंट अ साइड लाइक दैट विदाउट द कोहलीज एंड द रोहित्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड यू नो ये जो इतने अरसे से होता है कि उनके 10 करोड़ क्रेजी बैटर्स हैं, बट वो मुश्किल से 2 को घुसाते हैं 11 के अंदर क्योंकि और वो साइज है. आप वो हटा के बॉलरों को भी इतना ना रखे ना, बस 2 ही 1 बुमराह सिराज वगैरह रख के बाकी पार्ट टाइमर से निकाल दो. लाइक देव गॉट सो मच बैटिंग टैलेंट एंड आउट ऑफ रेवरेंस फॉर रोहित एंड कोहली हु ऑब्वियसली आर गोट बैटर्स, बट या मे वाइट बी बॉल ग्रेट, यू कुड हैव केप्ट देम इन वन डे एंड टेस्ट एंड T20 में गॉन डिफरेंट डायरेक्शन. और अगेन वहां पे वही सवाल उठता है कि अभी तक हम लोग यू नो जैसे कि कुछ एपिसोड्स पहले बात कर रहे थे कि मे बी वी शुड लुक एट टेस्ट एंड वन डे इज क्लोजर इंस्टेड ऑफ डूइंग व्हाइट बॉल रेड बॉल, इट शुड बी लाइक द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट वर्सेस द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट. मगर आई थिंक इसकी यही मिसाल है कि लाइक यू नो एज मच एज दीज प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान आर फ्रस्ट्रेटिंग, इवन द क्रिकेटिंग काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इंडिया हैज समहाउ कंट्राइव्ड टू एंड अप इन अ सिमिलर सिचुएशन वेयर इवन मतलब यू नो वही जितनी भी बैटिंग लाइनअप है उनके पास रन ही नहीं है, दे डोंट हैव दोज इनिंग्स वेयर दे मेड दोज बिग रन्स, व्हिच इज शॉकिंग व्हेन यू कंसिडर इंडियाज बैटिंग पेडिग्री. या आई बट आई थिंक द डिफरेंस, वही मैं बात फिर से कहूंगा, उस सिस्टम में जो डिफरेंस है ना, वो एक कॉन्स्टेंट, यू नो, कोहली अपने आप को क्यों चेंज कर रहा है, इवॉल्व कर यस रहा है, यस बिकॉज यस उसके हाँ पीछे अब आई डोंट या बार और बैटर यंग आए हुए हैं जो उसकी या जगह लेने के लिए ऐसे ऐसे आए हैं कि नहीं या हट जाओ, मैं आ गया हूं, नया प्लेयर हूँ. यू नो कोहली, यू नो आई मीन, अगर अगर कोहली और रोहित नहीं होते इस टीम में, स्पेशली अगर कोहली नहीं होता, तो यू नो द बिगेस्ट लॉस वुड नॉट बी इंडिया, इट वुड बी द आईसीसी. ICC needs somebody to market the game, right? To the US also. मैं मजाक के अलावा बात कर रहा हूँ कि actually it would have been quite a thing for them कि यार अगर कोहली नहीं होता इस वर्ल्ड कप में, उनके अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में, तो they wouldn't have known what to do, you know, marketing wise. So it's important that he was there. But the drive for कोहली comes from, और ये you know इंडिया का थोड़ा बहुत experience है अब, you know over the years. वेरी क्लोज एक्सपीरियंस, फैमिली एक्सपीरियंस फ्रॉम इंडिया एंड ऑल, और सब एक ही बात करते हैं कि यार इंडिया में जो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन किसी भी फील्ड में हो, आप चाहे कॉलेज की एंट्री कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटी की एंट्री कर रही हो, जो जो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन है ना वहां, 1.4 बिलियन पीपल, राइट? इफ यू आर नॉट इम्प्रूविंग योर सेल्फ, यू आर डेड, खत्म, आपकी गेम है ही नहीं. अगर आप अपने आप को वहां कॉन्स्टेंटली इंप्रूव नहीं कर रहे हो ना, तो आप फिनिश हो गए. तो दैट्स वाई कोहली की ड्राइव, रोहित चेंजिंग हिमसेल्फ, एंड समटाइम्स यू नो इट डजन कम ऑफ एंड यू मेक रॉन्ग कॉल्स एंड यू स्टिल हैव बेटर ऑप्शंस देन देम, बट वो एक मुझे एसेंशियल डिफरेंस नजर आ रही है, एटलीस्ट इन देयर टॉप ऑर्डर एंड आर टॉप ऑर्डर फॉर श्योर. यू नो बाबर इज अनक्वेश्चनेबली इन दैट साइड, अनक्वेश्चनेबली देयर T20 ओपनर, अनक्वेश्चनेबली देयर ओडीआई वन डाउन, अनक्वेश्चनेबली देयर टेस्ट वन डाउन, विच इज फाइन, बट इट्स ऑल अनक्वेश्चनेबल. उसकी कोई जगह पे भी थ्रेट नहीं है, कोई पीछे से ऐसे नहीं आ रहा है, विच ओके इज अ प्रॉब्लम ऑफ डेप्थ में भी ऑल्सो, बट यू नीड सम काइंड ऑफ टेंशन लाइक दैट ना. आपकी ग्रेटनेस कहां से आती है? ग्रेटनेस आती है टेंशन से, फ्रिक्शन से आती है. आप किसी से टकरा रहे होते हो तब आपकी ग्रेटनेस निकलती है, नहीं आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है. कॉन्फ्लिक्ट इन दिस केस या तो आपने आपके अंदर की होती है या किसी और से होती है कि आई नीड टू यू नो फेडरर नडाल ऑल दीज ग्रेट राइवलरीज. The greatness came from the conflicts within themselves to want to keep improving and rubbing up against each other. वो मुझे friction, ये बहुत ही ज्यादा कुछ फलसफा मैंने झाड़ दिया है इधर, लेकिन वो friction मुझे नहीं नजर आती है. भाई उसके एक आई डोंट नो हु टू ब्लेम फॉर दिस एंड आई डोंट थिंक द प्लेयर्स कैन बी ब्लेम्ड कंप्लीटली, बट वही है कि पाकिस्तान में ये सब अला फला के आईसीसी वर्ल्ड नंबर 1 3000 T20 रन 200 एवरेज एंड पॉइंटलेस Well, ये सब पॉइंटलेस. बकवास. या लाइक ब्रो नो वन गिव्स अ शिट. और ये यही सब स्टुपिडिटी उसी बायलैटरल्स पे तब उस दिन छोड़ वही बताता है ये सब बेवकूफ चीजें कर करके आप अपने यू नो अपने आप को खुश कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा पीस मार खान हूँ. नो लाइक योर एंड एंड यू नो लाइक द फैक्ट दैट यू आर नॉट बीइंग सोल्ड ऑन द T20 मार्केट शुड बी अ ह्यूज वेकअप कॉल.
कि हे लाइक दिस इज नॉट जस्ट अ बिग इश्यू फॉर मी एज अ प्लेयर, इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी अ बिग इश्यू फॉर मी इन माई फ्यूचर अर्निंग्स. यू नो लाइक आई शुड बी थिंकिंग अबाउट दिस. आई शुडंट जस्ट बी कंटेंट टू लाइक प्ले आउट द पॉलिटिक्स ऑफ द पाकिस्तानी नेशनल टीम. बट एनी वेज, ये आई थिंक यहाँ पे मैं लगाम इसलिए भी दूंगा क्योंकि एज यू मैंशन अर्लियर एट वन लेवल दीज प्लेयर्स हैव अ ड्राइव दैट वी कांट रियली इमेजिन. And I want to give them that benefit of doubt because this is, as you said, India में अगर हर society के हर level पे, तो Pakistan में भी society के हर level पे ये है कि भाई there's ways of getting around this and bribing someone or getting a सिफारिश in. You don't need to improve yourself, you just need to improve your network. तो I think like players को there's a level I want to criticize them on this because I think this is a national problem, that lack of ambition. Yeah. Yeah, I don't want to get into any of that, but like it's a huge issue. But yeah, that's 55 minutes of Evan Aswan ranting. Canada, hello. Agli game hai kal, Canada. We better have this out before we play. we will, inshallah, have it out before we play and before we are struck off the visa list for one of these two countries. We will definitely get the episode out. आप तब तक के लिए, actually मैं झूठ बोल रहा हूँ, इतनी जल्दी नहीं आ रही episode. ये लेके खुश रहे हैं थोड़े अरसे के लिए, but 3-4 दिन बाद इंशाल्लाह जरूर एक episode आएगी. और अगर कल हार गया और knockout हो जाते हैं, शायद फिर हम आ जाए वापस. But till then, take care. खुदा हाफिज़.